नमस्कार। मुद्दा है पॉलिथीन का, आप सब लोगों ने सुना है और काफी आप लोगों ने चर्चा में भी, न्यूज में भी सब जगह सुना होगा। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पॉलिथीन के बारे में बोला और उस मुद्दे को आज हम सब लोग, पूरी गौ सेवा धाम परिवार के जो लोग हैं, उस पर विचार विमर्श करने के लिए आपके साथ में है कि एक्चुअल में जो पॉलिथीन है वो किस प्रकार पर्यावरण को, और खासतौर से हम अपने हॉस्पिटल की बात करें तो गौ माताओं के लिए, वो किस प्रकार हानिकारक है और कैसे वो पेट में जमा होती है, क्या उसका हम ऑपरेशन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी जो मथुरा में आए थे, पॉलिथीन के बारे में, गौवंश के बारे में उन्होंने काफी चर्चा की थी और इस मुद्दे को उन्होंने बहुत प्रेफरेंस पर लिया था। और उसका मुख्य कारण यही है कि पॉलिथीन जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हमारे देश में बढ़ती जा रही है और उसका प्रभाव हमारे समाज, हमारे पर्यावरण और हमारे जीव जंतु, गौ वंश जो है, उन सब पर ये प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि आप वहाँ भी देख सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल गौ सेवा धाम की एक न्यूज़ थी, उसमें 60 किलो पॉलिथीन जो गौवंश के पेट में जमा थी वो पॉलिथीन निकली थी। ये पॉलिथीन निकली कैसे थी उसकी वीडियो आप यहां पर पूरी देख सकते हैं। आप इनको एक वीडियो दिखाएं। ये ऑपरेशन के दौरान पॉलिथीन जो जमा है उस पॉलिथीन को निकाला जा रहा है खींच करके, और आप इसको अंतिम में भी दिखाएं कितनी इसके अंदर पॉलिथीन तकरीबन निकली है। ये आप देखें, और ये 40, 50, 60 किलो, 70 किलो तक ये पॉलिथीन निकलती है। साथ में अन्य जो पदार्थ होते हैं, लोहे के कीले और वो सब भी निकलती हैं, वो भी हैं तो आप दिखा दें। मैं इस वीडियो पे आपको, मैं भी अपनी तरफ से थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये वीडियो 2017 की है। ये जो गौवंश था इसको यहाँ पे लाया गया, उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में लगभग 60 किलो पॉलिथीन, उसमें 60 किलो पॉलिथीन रिकवर की गई। रिकवरी की जब पॉलिथीन निकाली गई तो हमने मीडिया है या न्यूज़पेपर है, अखबार है, सबको बुलाया, दिखाया कि देखिए किस तरह से पॉलिथीन हानिकारक है। यानी हमने उस टाइम भी एक कैंपेन शुरू किया 2017, यानी आज से पहले, साल पहले। ये कैंपेन हमने नहीं बल्कि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की संचालिका देवी चित्रलेखा जी हैं, वो विगत 10 वर्षों से ये कैंपेन चला रही हैं कि पॉलिथीन बंद किया जाए। पॉलिथीन का कहाँ नुकसान हो रहा है वो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में, टीवी चैनलों में भी दिखाया गया। उसकी एक झलक मैं आपको डिस्प्ले पे भी दिखा सकता हूँ कि कई न्यूज़पेपरों में इस खबर को बड़े मुख्यता से प्रकाशित किया गया कि पॉलिथीन का यूज ना करें, पॉलिथीन का यूज जो गौवंश के लिए कितना नुकसानदेह है, जिससे मौत हो जाती है। बल्कि टाइम पर अगर ऑपरेशन कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर कई गौवंश को बचा लिया भी गया है, लेकिन कई बारी देरी होने की वजह से ऑपरेशन में नहीं बचा सकते हैं। ये दिखा, उसमें केल, पत्थर, ये सब आप देख सकते हैं जो कि वहां से रिकवर किया जा सकता है। मैं मानता हूँ जो कैंपेन हमने आज से 10 साल पहले शुरू किया है, सरकार उसको आज शुरू कर रही है। मुझे उम्मीद है, मुझे क्या, संपूर्ण गौ सेवा धाम को उम्मीद है कि ये कैंपेन सफल हो और सभी पॉलिथीन के यूज, पॉलिथीन का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अभी पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि सिंगल यूज जो पॉलिथीन प्लास्टिक है वो उसका बैन हो। उसका सीधा सीधा कारण है, जो गलने वाली प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, वो पूर्णतः बैन हो जाएगा भारत से। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए भी एक है। जो गौवंश पॉलिथीन खाती है उसकी कुछ पिक्चर्स आप, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे। ये भी जो इस तरह की खबरें हैं हमारे कैंपेन का ही हिस्सा रही हैं। उसमें हमने कई न्यूज़पेपरों में, अलग अलग जगहों पर दिखवाया कि आप देखिए, ये वो पॉलिथीन है जो शहर में कूड़ा कचरा जो इकट्ठा हो रहा है, ना गल सकता है, ना सड़ रहा है, कुछ भी नहीं इसका हो रहा है। और इस पॉलिथीन को मैं आपको थोड़ा और नज़दीक से दिखा देता हूँ, देख पा रहे होंगे ऊपर हेडिंग भी है, पॉलिथीन के निवाले से गौवंश पर गहरा है संकट। तो ये उस तरह की पॉलिथीन है जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाता है, जला भी नहीं सकते हैं, इसको गलती भी नहीं है। तो मेरा मानना है, इस कैंपेन को जब हमने शुरू किया है तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आज जब ये सरकार तक बात पहुंची है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कैंपेन शुरू करने का मकसद यही था, एक तो आम पब्लिक में उसकी जागरूकता हो, दूसरा जो सरकार इस पर कोई बड़े ठोस कदम उठाए। और बड़ी खुशी है मुझे तो इस बात को जब पता चला है कि पॉलिथीन पे सरकार बहुत बड़ा कदम लेने जा रही है। 2 अक्टूबर को एक बहुत ठोस नियम लिया जा रहा है,
तो हमारे लिए तो बड़े गर्व, और हमारे लिए क्या पूरे भारत के लिए ही गर्व की बात है ये। और उद्घाटन भी आज हुआ है। इन योजनाओं परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, देखिए इसमें ऐसा है, हम सब लोग जो राहुल जी और ये सब बता रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, हम आज से नहीं बहुत पहले से इस पॉलिथीन के विरोध में हैं। पूज्य देवी जी भी हर कथा में, क्योंकि हमने साक्षात देखा है, हमें एक्चुअल में पता है, जो पॉलिथीन माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि वे पशुओं के अंदर भी जमा हो जाती है, नुकसान करती है, वो कैसे करती है वो हमने देखा है। आप लोगों को भी हम वही दिखाना चाहते हैं कि वो पॉलिथीन पेट में जाकर के जमा होती है और धीरे 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 उसकी क्वांटिटी बढ़ते हुए वो 60-70 किलो तक की पॉलिथीन हो जाती है। वही पॉलिथीन हम बहुत पहले से बैन करना चाह रहे थे, हम लोगों तक जागरूकता पहुंचा रहे थे उसके विषय में। और जानकारी माधव जी भी आपसे कुछ दो शब्द जरूर पॉलिथीन के बारे में। ये जैसे आज हम सब यहाँ बैठे हैं, ये मुद्दा आज उठते आया है, इससे पहले भी और कई बार उठ चुका है मुद्दा। सरकार ने पहले भी इस कई बार इस बैन लगा चुके हैं पॉलिथीन के लिए। बाकी क्या हम सच में इस बार माने कि ये बैन हो गए इस पॉलिथीन, गाय के लिए जो जान जा रही है और भी कई जीवों की जान जा रही पॉलिथीन के कारण, क्या सच में इस बार बैन होगा? ये समाधान है जैसे मोदी जी ने कहा 2 अक्टूबर को कि बैन होगा, बाकी क्या हम कैसे इसको समाधान निकाले कि इसके बाद भी ये बैन होगा, होएगा कि नहीं होएगा, इसमें हम कैसे बोल सकते हैं? इसमें बस ये है कि हम लोगों से अपील करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं और आगे तक करते रहेंगे कि और जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल कम करें। ये तो आम आदमी के हाथ में, हम लोगों को सबको प्रयास करना पड़ेगा। और तथ्यों के आधार पर मैं दर्शकों को एक बात और बताना देना चाहता हूँ कि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल ने पिछले कई वर्षों से, आप जैसा कि आप जानते हैं, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, तो इस सब के साथ साथ रिसर्च भी हमारी चलती रहती है। उस रिसर्च में हमने ना सिर्फ हमने विशेषज्ञों की टीम के साथ हम रिसर्च करने पर यह पाया है कि 100 में से 70 गायों की मौत का कारण पॉलिथीन होता है। जो गाय को खाना देना आप पुण्य समझते हैं, बल्कि गाय की मौत का कारण वही बनता है, वो खाना जिसे आप पॉलिथीन में रख के देते हैं। बिल्कुल, मैं आपको अपने डिस्प्ले पर दिखा देना चाहता हूँ, ऐसी ही एक खबर प्रकाशित हुई है एक अखबार में, जिसमें दिखाया गया है कि 100 में से 70 गायों की मौत का कारण पॉलिथीन और प्लास्टिक बनती है, जिसमें कि जो खाना आप उनको दे रहे हैं वो प्लास्टिक पॉलिथीन उस सब में ना दें। आप अपनी तरफ से भी एक पहल कीजिए, जरूर बदलाव आएगा। पुनीत जी, जैसे प्रत्यक्ष जी ने, माधव जी ने, राहुल जी ने बताया पॉलिथीन के लिए, पॉलिथीन जो है अपने पर्यावरण के लिए, गौ माता के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए बहुत नुकसानदायक है। कुछ सरकारों ने पहले भी पर्यावरण के लिए पॉलिथीन में बैन लगाया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गत वर्षों में उत्तर प्रदेश में भी पॉलिथीन पे बैन लगाया था, पर वो उसको अमली जामा नहीं बना पाया, प्रशासन उसको नहीं रोक पाया। तो मेरा लोगों से निवेदन है, मोदी जी मुहिम चला रहे हैं, हमारी देवी जी तो कम से कम 10 वर्षों से कथाओं के माध्यम से ये मुहिम चला रही हैं कि पॉलिथीन पूर्णतः बैन हो। तो मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इस पॉलिथीन को बैन करें और लोगों को सरकार का हमारा सहयोग करें। आप विष्णु जी लोगों से किस तरीके से, क्योंकि सरकार ने और खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को अभी एक गर्मजोशी से उठाया है, तो लोग कितने हद तक मानेंगे और कैसे इसको आप मतलब लोगों से पहुंचाना चाहते हो, कैसे उनको समझाना चाहते हो इस विषय में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब ये मुद्दा उठाया है तो इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये मुद्दा चर्चा में है तो ये कितना गंभीर विषय है ये हम सब लोग सोच सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि अभी मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, एक सर्वे हुआ था किसी समाचार पत्र में किया था, तो उसमें बताया कि एक आम मनुष्य के शरीर में एक साल में औसतन लगभग 250 ग्राम तक, 250 ग्राम तक प्लास्टिक के कण पहुंच रहे हैं। अब आप बताइए, हर पर ईयर के हिसाब से 250 ग्राम प्लास्टिक के कण पहुँच रहे हैं तो वो कितना नुकसान कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौ माता के लिए, हम अपने लिए भी सोच सकते हैं। हमारे शरीर में जाने अनजाने जो ये पहुँच रहे हैं प्लास्टिक के कण, एक भविष्य में जाके किस तरह की घातक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। वो तो इस परिस्थिति से गुजर ही रहे। आप देख रहे हैं जैसे हमारे हॉस्पिटल में ये जो अभी रूमेनोटॉमी का केस किया था, इसमें 60 से 70 किलो प्लास्टिक, ये सब बोलने में कितना हल्का लग रहा है, लेकिन सोचिए कि कितने सालों की वो
इकट्ठा हुआ और कितना किस हद तक वो घातक रहा होगा गाय के लिए, तो निश्चित तौर पर विचार नहीं है। और मैं चाहूँगा कि सिर्फ ये बात सिर्फ चर्चा ही ना रहो, चर्चा तक ही ना सीमित रहे, हम सिर्फ बातें ही ना करें बल्कि बदलाव भी करें। और बदलाव कैसे कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि सामान लेने जाते हैं बाजार में तो घर से कपड़े का थैला लेके जाए बजाय कैरी बैग, जूट का ले जा सकते हैं, अभी बनता है अपना खुद का लेके जा सकते हैं जी। तो ये छोटे छोटे बदलाव उसके लिए मना करें कि जागरूकता फैला लो। बिल्कुल पुरी जी की बात से मैं सहमत हूँ। अगर आपको कोई सामने से पॉलिथीन दे भी रहा है तो आप मना करिए, एक पहल चलाइए, उसको आप बताइए कि इसके नुकसान क्या है। जागरूकता सिर्फ नियम बना सकती है, अगर हम ही बहिष्कार करेंगे पॉलिथीन का तो पक्का बंद होगा। मुख्य रूप से हमें और आप सबको और जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सबसे यही निवेदन रहेगा, नंबर एक जो पॉलिथीन है आप उसका इस्तेमाल ना करें, नंबर दो यदि आप खाने का, जो मुख्य बात अभी इन्होंने भी बताई, आप खाने का कोई भी सामान घर से बाहर यदि फेंक रहे हैं तो उसको किसी भी प्लास्टिक के पॉली बैग में बंद करके या उसको उसमें डाल करके ना डालें। क्योंकि गौवंश के बारे में मैं कहूंगा कि गौवंश तो वो पॉलिथीन ऐसे नहीं खाती, वो उसके अंदर जब कुछ खाने का मटेरियल होता है उसको खाने की ललक में वो पॉलिथीन समेत पूरा निकल जाती है, वो पॉलिथीन उसमें पेट में जमा हो जाती है। तो ये दो मुख्य पॉइंट्स हैं, आप उनको याद रखें, अपने दिमाग में रखें, लोगों तक पहुंचाएं, इस हमारी आवाज को पहुंचाएं, हमारे जो आपस में हम लोगों ने डिस्कस किया और इस मुद्दे को हम भी जितना हो सकता है और आगे से आगे शुरू से लेके चल रहे हैं और आगे तक लेके चले। इस तरह के डिस्कर्स आप भी अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, जहां भी आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल अगर टाइम निकाल दे तो आप भी डिस्कस कीजिए, जरूरी एक पहल होगी जागरूकता की। बिल्कुल, आप आपस में भी बैठें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक बताएं और खुद भी इस पर्यावरण के मुद्दे को लोगों तक पहुंचाएं और इस पर पॉलिथीन बैन हो, इसके लिए ठोस से ठोस कदम आप खुद भी उठाएं। इसी के साथ सभी भक्तों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोले गौ माता की जय, श्री राधे।